भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम। भगवान के जन्म के समय मंदिर में घंटे घड़ियाल गूंजने लगे और कान्हा के जन्म के बाद पंचामृत से अभिषेक कराया गया। मंत्रों के जाप से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जिसके बाद फूलों की बारिश हुई। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सभी श्रद्धालु श्री कृष्ण की भक्ति में झूमने लगे। वहां आए श्रद्धालुओं का कहना है कि जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान के दर्शन करके हम धन्य हो गए। अच्छा लग रहा है, आज भगवान ने मुझे बिल्कुल अंतिम समय पे मुझे अंदर एंट्री आई मेरी और मैंने उनका दर्शन देखा, तो मैं तो समझती हूँ आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इससे पहले ये सौभाग्य आपको मिला था? नहीं, आगे अगर मिलता तो आना चाहेंगे। बिल्कुल, हमेशा मैं चाहती हूँ कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे, मैं हर बार उनका जन्मोत्सव इसी समय ऐसे देखूँ। वहाँ मंदिर के पुजारी का कहना है कि श्री कृष्ण के जन्म के लिए पूरे ब्रजवासी का जनसैलाब उमड़ा है। हर कोई नंदलाल के जन्म की खुशी मना रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण के गुणों को आत्मसात करके कान्हा का जन्म करेंगे तो बुराई का नाश जरूर होगा। आज मथुरा में अजन्मा के जन्म की खुशी मना रहे हैं सबरे। अमायिक को जन्म है, पर जितने माय के वास्मय के यानी माया भी है उनको समापन करके गीता ज्ञान के उपदेश के द्वारा आतंक को समापन और ज्ञान की स्थापना के ताई या महापुरुष को या भगवान को लाला को जो जन्म भयो है, आए सबरे ब्रजवासी जन समुद्र के रूप में उमड़ के यहाँ पे चले आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं सब जने, बोलो नंद के लाला की। और एक चीज कह रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज के समाज में जो कंस रूपी कुरीतियां व्याप्त हैं, कान्हा के आने के बाद क्या कुछ बदलेगा? कान्हा के आयवे के बाद में वास्तव में भी कुरीति हटी, लेकिन आज केवल नंदोत्सव बनाए हुए थे खाली काम नहीं चलेगा। यदि उनके गुणन को हमने अपने अंदर आत्मसात कर लियो, कहवे को मतलब यदि हमने अपने मन में वह कृष्ण को जन्म उत्सव यहाँ बैठाए के मनायो, तो आज जितने यहाँ पे डोल रहे हैं सबरे कृष्ण के आदर्शन को लेकर कुरीति हटाए के तई सबरे कृत संकल्प है। उसके साथ ही मथुरा के घर में भी जन्मोत्सव मनाया गया, जहाँ बच्चे टोपी पहनकर कान्हा से केक कटवा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म उत्सव का ये मॉडर्न नजारा किसी का भी मन मोह लेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।